हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। आज है कलर क्लास। मेरा नाम है सौरभ वर्मा और मैं कलर क्लास पढ़ाने वाला हूँ। अभी मैं यूएस अमेरिका में हूँ, कैलिफोर्निया के अंदर, यहाँ पे पढ़ाता हूँ। और आपको बता दूँ, कलर क्लास आज मैं जो सिखाने वाला हूँ, डे सेकेंड है, डे टू है, जिसमें हम बात करने वाले हैं लोरियल के बारे में, वेला के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, और मे भी शोस्कॉफ के बारे में भी। तो हमने कल प्राइमरी और सेकेंडरी कलर के बारे में सीखा। जिन लोगों ने कल की क्लास देखी होगी उनको पता होगा, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो आराम से। वो बताऊंगा कैसे दूंगा, ठीक है? तो सेकंड क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लेट्स गो टू द टॉपिक। जो हमारे आज का टॉपिक है वो है, ये बुक में से मैं निकालूंगा, हमने कलर ऑफ लाइफ, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कलर पढ़ा। अभी मैं लेवल ऑफ कलर के बारे में बात करूंगा। उससे पहले हम कलर व्हील के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कलर व्हील के बारे में, क्या है एक्चुअल। तो मैं बात करने वाला था कलर व्हील के बारे में। कलर व्हील सबको पता है क्या होता है। ये मेरे पास एक छोटा कलर व्हील है, इसमें दिखाया गया है कि कौन से कलर हैं, किससे मिलने से कौन से प्राइमरी कलर हैं, और सेकेंडरी कलर बनते हैं प्राइमरी कलर के मिलने से, और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो कलर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। सबको पता है क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में ये सबके पास होना ज़रूरी है। डिटेल जो है आपको क्लियर हो जाती है कि कैसे कौन से कलर मिलने से क्या होता है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? ये येलो है, येलो का सामने वाला जो कलर है वो है वायलेट, तो इसको बोलते हैं एंटी कलर। यस, एंटी कलर। एंटी कलर मतलब जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है? न्यूट्रलाइज भी करता है, एनहेंस, डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो, ओके? फिर रेड के सामने है ग्रीन कलर, तो ये भी इसी तरीके से बालों के कलर को न्यूट्रलाइज कर देता है। मान लो किसी ने येलो कलर किया हुआ है, ठीक है, उसको अगर न्यूट्रलाइज करना है तो वॉयलेट यूज करेंगे, ठीक है? अगर रेड किया हुआ है, न्यूट्रलाइज करना है तो ग्रीन कलर करेंगे, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ब्लू किया हुआ है, ब्लू यहाँ पे है, वन मिनट, हाँ, ब्लू छुप जाता है, इसलिए अगर ब्लू है या ऑरेंज है तो ऑपोजिट कलर करेंगे, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बैलेंस कर देगा। इसकी मैं छोटी सी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी इन दोनों के अंदर तीसरा कलर कौन सा नहीं है? ब्लू रेड को मिला के बना वॉयलेट, वॉयलेट के अंदर येलो नहीं है, इसलिए ये वॉयलेट है। अगर मैं इसमें येलो मिक्स करता हूँ तो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये बन जाएगा ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ठीक है? रेड एंड येलो के अंदर ब्लू कलर नहीं है, तो अगर मैं ब्लू ऐड कर देता हूँ तो ये भी हो जाएगा न्यूट्रल कलर, ब्लैक या ब्राउन। एंड ग्रीन जो कि ब्लू एंड येलो से बना है, इसके अंदर रेड नहीं है, अगर रेड मिक्स करूंगा तो ये भी बन जाएगा ब्राउन कलर। तो ये तीनों कलर जो हैं ये न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, ब्लैक या ब्राउन बन चुके हैं। समझ में आया सबको? अगर हम ये दो कलर ऑलरेडी, मान लो वायलेट है, वायलेट के अंदर येलो मिक्स करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो समझ में आया कि कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को? अगर मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? न्यूट्रलाइज होता है, राइट? ऑपोजिट कलर कोई भी हो वो भी ब्राउन कलर बनते हैं, अगर आप एक प्राइमरी एक सेकेंडरी कलर को मिलाते हो तो। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है। एक कलर व्हील मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये है ब्लू कलर, ये है रेड कलर, ये है येलो कलर, ठीक है? अब ब्लू एंड रेड को मिलाने से बनता है वॉयलेट कलर, राइट? रेड एंड येलो को मिलाने से बनता है ऑरेंज कलर, ओ लिखा है,
एंड ब्लू एंड येलो को मिलाने से बनता है ग्रीन कलर। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। अगर ब्लू रेड एंड येलो तीनों प्राइमरी कलर मिलेंगे यहाँ पे तो बनेगा नेचुरल ब्राउन कलर। क्लियर सबको? कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। नेचुरल ब्राउन कलर तो प्राइमरी पी मतलब प्राइमरी कलर, ब्लू रेड येलो ये प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर ग्रीन वायलेट ऑरेंज कलर ये सेकेंडरी कलर है। अभी आ जाएंगे एंटी कलर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एंटी कलर कौन कौन से हैं? अभी ब्लू का एंटी है सामने ऑरेंज, क्योंकि आमने सामने कलर हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा येलो का एंटी है वायलेट, आमने सामने, ठीक है। और रेड का एंटी है ग्रीन। एंटी मतलब इनके झगड़े होते हैं, झगड़े होके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एंटी उसको बोलते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये कलर व्हील अगर याद रखोगे तो ऑपोजिट कलर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी कलर। यस, इसके बाद मैं बात करूंगा। अब ब्लू एंड ग्रीन कलर एक अलग से कलर बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं? अब ब्लू एंड ग्रीन जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये होता है जब दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं टर्शियरी कलर। तो मैं ये स्पेलिंग जो है आप लोगों के सामने लिख दूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसको बोलते हैं टी ई आर टी आई ए आर वाई टेरिटरी कलर, ओके। अब ये जो कलर कौन कौन से हैं, ब्लू ग्रीन, फिर आएगा ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज, रेड ऑरेंज, वायलेट रेड, वायलेट ब्लू। तो जितने भी सर्कल बनाए हैं ये सारे टेरिटरी कलर है, ठीक है। अब वो कहां पे है वो भी आपको दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे ये रेड कलर है, ये वायलेट कलर है, इन दोनों के बीच का ये है रेड वायलेट, दैट्स कॉल्ड टेरिटरी कलर, ओके। तो ये क्लियर है आप कलर व्हील के बारे में? जितने भी कलर हैं वो सब के बारे में बता दिया, प्राइमरी कलर हैं, सेकेंडरी कलर हैं, एंटी कलर हैं और टेरिटरी कलर हैं। तो ये सारे कलर के बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर आपको ओवरलैपिंग होता जाएगा। एवरीडे मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगा, पूरी क्लास फ्री है, हर एक तरह का हम लोग हेयर कलर करने वाले हैं, हर एक कंपनी का करने वाले हैं, ग्लोबल करने वाले हैं, हाइलाइट्स करने वाले हैं, क्रेजी कलर करने वाले हैं, मैं सब सिखाने वाला हूँ। आप हैरान हो जाओगे कि ये 30-40 दिन की क्लास होगी, बट मज़ा आ जाने वाला है। एवरी डे मैं कुछ ना कुछ 10-10 मिनट का सिखाऊंगा, ताकि आपके दिमाग में वो फिक्स हो जाए जो हम बात कर रहे हैं। एवरी डे आप सीखते जाओगे, गारंटी देता हूँ आप एंड ऑफ दिस वीक कलर पहचान जाओगे कौन से कलर को क्या बोलते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की 110%। तो अगर आपको वीडियो आज का पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। कल की वीडियो में मैं सिखाऊंगा आप लोगों को लेवल ऑफ कलर्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और जो लोग पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे मिल जाया करे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं या लाइव आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। और सबसे पहली बात कि हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे दिखाई देंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं, इसकी डेट आप देख सकते हो इसके ऊपर ही। और आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उस पर हम नए कोर्सेज के बारे में बताते हैं, हेयर टिप्स के बारे में बताते हैं,
नए कोर्स कब स्टार्ट होंगे, कौन सी डेट होगी, कौन सा टाइमिंग होगा, और बहुत सारे नए जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अपकमिंग वीडियोज़ हैं, उसकी वीडियोज़, उसकी आप बोल सकते हो ट्रेलर जो है उस इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें, और लास्ट में यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमें, हमारे चैनल को, तो इसमें मैंने 3 अलग अलग पार्टीशन बनाए हैं, अकॉर्डिंगली आपको पे करना है, और आप अकॉर्डिंगली वीडियोस भी ले सकते हो, नोट्स भी ले सकते हो। तो आप ज्वाइन पे क्लिक करके वहाँ पे एक 3 मिनट का वीडियो है, वो देखिए, और आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि ज्वाइन का मीनिंग क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दो, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो। बेल का आइकन दबाने से आपको अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, एंजॉय।